गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सी हॉर्स की ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा। ये टाइप की जो फिश होती है वो नॉर्मल फिशेस से बहुत ही अलग दिखती है, बिकॉज इनकी टेल राउंडेड होती है जो पौधों को पकड़ने के काम आता है, मींस वो वेजिटेशन, और एक ट्यूब शेप जैसा इनका मुंह होता है जो खाना खींचने के लिए काम आता है। और जब बात आती है सेक्स की तो इसमें नर और मेल सी हॉर्स प्रेग्नेंट होते हैं। हाँ, मेल प्रेगनेंसी सबसे यूनिक है पूरे एनिमल किंगडम में। बाकी तो मेटिंग आम फिशेस जैसा ही करते हैं, बट पहले तो मेल डांस करेगा फीमेल के नजर में आने के लिए। नजर में आते ही दोनों एक दूसरे की टेल को फंसा के बहुत दिनों तक साथ में डांस करेंगे, और इसके दौरान इनका कलर भी बदलता जाएगा। एक ब्रीडिंग के टाइम हमको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिलते हैं, बट ज्यादातर ये कलर बहुत ही डल होते हैं ताकि दूसरे फिश के नजर में ना आए। एक दूसरे का जायजा लेने के बाद फिर मेल पार्टनर अपना बड़ा सा पेट वो फीमेल को दिखाएगा जिसके साथ वो नाचा था। फिर फीमेल पार्टनर अपने सारे अंडे मेल के पाउच में डाल देगी अपने निचले हिस्से से, जिसे ओविपोस्टर कहा जाता है। एक बार सारे अंडे मिलने के बाद मेल पार्टनर अपने स्पर्म से उनको फर्टिलाइज कर देगा अपने ही पेट में। इसका काम यही नहीं खत्म हुआ, ये अपने अंडों को चारों तरफ से ब्लड फ्लो कराता रहता है, जैसे पानी का खारापन और तापमान मेंटेन रहे और बच्चों को बराबर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। फिर कुछ दिनों में अपने बच्चों को पाउच से बाहर निकाल देता है अपने पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। लगभग 2000 तक बच्चे होते हैं जिसे फ्राई कहा जाता है, और मेल फिर इन बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, जिसमें से ज्यादातर बच्चे समुद्र के बहाव और दूसरे फिश की वजह से मर ही जाते हैं, 5 से भी कम बचते हैं। और दूसरी तरफ मेल वापस अपने काम पे लग जाएगा दूसरी फीमेल को इम्प्रेस करने में। इवन मेल ने सुबह अगर बच्चे दिए तो शाम तक वो वापस प्रेग्नेंट हो जाता है, एंड द प्रोसेस स्टिल कंटिन्यूस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, एंड स्पेशल क्रेडिट गोज टू सीकर वाइल्ड। थैंक यू सो मच।